हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को। होप आप सब तो ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज है बुधवार और मैं जा रहा हूँ अभी ड्यूटी। यहाँ का मौसम तो आप देख ही सकते हैं, पूरा अभी अंधेरा अंधेरा हो गया है। लाइटें जल चुकी हैं, 3-4 बजे ही पूरा अंधेरा हो जाता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है। और मेरा बुधवार के दिन और मंगलवार के दिन शाम को 4 बजे ड्यूटी होती है, तो मैं शाम को 4 बजे ही जाता हूँ। तो आजकल कुछ नया चल रहा है, मतलब कि यार बहुत बुरा चल रहा है। सुन के ऐसा लग रहा है ना कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसा कुछ इंडिया में हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने भी देखा, सुना भी है, न्यूज़ में भी बहुत चला है, अंकिता भंडारी केस हुआ था और अभी श्रद्धा का केस हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है कि यार मतलब कोई ऐसा कर सकता है और उसको सजा के नाम पे देखो कितना सब वो चल रहा है। ऐसे इंसानों को तो मेरा कहना ये है कि ऐसे इंसानों को ना, जैसे उसने 35 टुकड़े किए ना, तो उसने तो मरने के बाद टुकड़े किए, इसको तो जिंदा में टुकड़े करने चाहिए। और इसके हर दिन एक एक उंगली काटो, एक एक मतलब हिस्सा काटते रहो उसके शरीर का, तब इसको एहसास होगा कि यार इसने क्या किया है। मतलब समझ में नहीं आ रहा, रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। हमारी भी माँ बहनें हैं, वो लोग स्कूल जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, कोई अपने काम से बाहर जाता है, और ये कैसा ट्रेंड चल रहा है कि मतलब प्यार के जाल में फंसाओ और फिर उसके बाद तो उनका मर्डर कर दो, और मर्डर करके फिर घूमते रहो, लाश को ठिकाने लगा दो। तो इन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हो गया हूँ मैं, क्योंकि यार हम लोग भी तो इंडियन है ना, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं ना, जैसे यूरोप हो या किसी भी कंट्री हो, जो भी लोग बाहर रहते होंगे, हम सिर्फ न्यूज़ ही देखते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं, जैसे हमारे दोस्त यार होते हैं जो यहाँ के लोग होते हैं, वो लोग जब हमें ये बताते हैं ना गूगल करके कि देखो तुम्हारे यहाँ पे कितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कितना सब गलत हो रहा है, कितना कचरा पड़ा है, कितनी गाली देते हैं, वो गूगल में सर्च करते हैं कि यार इनके यहाँ पे गाली कैसे दी जाती है। ये सब चीज़ें ना बहुत शर्म वाली चीज़ें हैं, जिनसे मतलब कि इतना ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता है ना कि यार हम लोग इंडियन हैं और हम लोगों को ऐसा बोलते हैं कि इंडियन देखो तुम्हारे यहाँ पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है यार कि मतलब क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोर्ट क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, क्यों किसी बेटी का, किसी लेडीज़ को मतलब क्या समझ के रखा है यार। अपनी मर्दानगी दिखानी है तो मैं तो बोलता हूँ सीधा फौज में जाओ ना भाई, अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना मर्डर करने का तो फौज में जाओ, आतंकवादी इतने आ रहे हैं उनको मर्डर करो यार। तो कहने का मतलब पूरा यही है कि यार बहुत ज़्यादा मतलब ना इस चीज़ से ना दिल मतलब ऐसा हो गया ना अजीब सा यार, बहुत बहुत दुख हुआ ये सुन के कि मतलब ऐसा हुआ है, उसने इतना सब कुछ किया। 3-4 दिन से न्यूज़ देख रहा हूँ ना, तो रात को सोते टाइम भी ऐसा लगता है ना अजीब सा यार। तो मैं तो यही मतलब यही कहता हूँ कि यार उसको जस्टिस मिलना चाहिए, और जो भी इसने कातिल है, जो भी इसने ये सब काम किया है ना, इसको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। आप सब लोग अपने अपने आवाज़ उठाओ और इनके कातिलों को ना बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। तो अभी मेरा ड्यूटी का टाइम, और ड्यूटी के मतलब मैं नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस में है टेम्परेचर, और मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है यार, बता नहीं सकता कितनी ठंड है। ये आजकल अब क्रिसमस आने वाला है ना, तो क्रिसमस के वजह से लाइटिंग हो रखी है, पूरा ये लोग ऐसे सजा के रखते हैं, पूरा ये सजाया हुआ है, हर जगह आपको लाइट दिखेगी। व्यू जो है ना यहाँ का मस्त लगता है शाम को, रात के टाइम पे इन्होंने पूरी लाइटिंग करके रखी हुई है, पूरा सजाया हुआ है चारों तरफ से। आप कहीं किसी भी तरफ देख लो, पूरा सजा के रखा हुआ है। तो आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं है, क्योंकि ब्लॉग में इतना सब कुछ मेरे पास नहीं था बताने के लिए, बस थोड़ा सा मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि यार इतना सब कुछ हो रहा है, और हम लोग अगर YouTube पे वीडियो बनाते हैं तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा चीज़ है, आप अपनी आवाज़ उठाओ। और श्रद्धा हो, अंकिता भंडारी हो, कोई भी हो जिनके साथ ये सब बुरा हुआ है, उनको जस्टिस दिलाओ, उनकी फैमिली को, हमारे मतलब दिल से मैं उन मतलब क्या बोलूँ मैं,
आप उनके साथ बोल ये भी बोल के भी फायदा नहीं है कि यार जो हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि जिसने खोया है ना उसको पता होता है उसने क्या खोया हुआ है। तो जो भी हैं, जो भी YouTube पे वीडियो बनाते हैं, जिन लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुंचे, प्लीज़ यार आप लोग सब जस्टिस के लिए खड़े हो जाओ, बोलो। मतलब ऐसा हो कि आगे ना हमारे यहाँ पे इंडिया में ना ऐसा कहीं ना हो कि दोबारा ना हो ऐसी चीज़ें, और हम लोग जो बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, हमें ऐसा सुनने को ना मिले, हमें कोई ऐसा ना चिढ़ाए कि तुम्हारी कंट्री में ऐसा हो रहा है। तो प्लीज़ 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 गाइस, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मतलब इस जस्टिस के लिए अपनी आवाज़ उठाएं और पुलिस का साथ दें, पुलिस को बोलें कि यार वो करे कुछ, अपनी गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएं कि भाई जो भी हो रहा है ये सब अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब बुरा हो रहा है। तो अपनी आवाज़ को आप लोग पहुंचाएं। कैंडल वेंडल जलाने से कुछ नहीं होगा भैया, अगर रोड पे आना है ना तो सीधा सा मतलब जो ये लोग वोट मांगने आते हैं ना, इनके कानों तक ये बातें पहुँचानी है कि तुमने क्या कानून व्यवस्था बनाई है। अगर बहू बेटियां बाहर नहीं जा सकती हैं, मतलब वो अकेले नहीं जा सकते हैं, हर चीज़ में डर लगा रहता है, माँ बाप को डर लगा रहता है, भाई बहनों को डर लगा रहता है कि यार हमारी बहनें बाहर हैं और लड़के खुलेआम ऐसे कत्ल कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए जो भी है, जो भी कानून बने हैं, मैं तो यही बोलूँगा कि कानून अपना काम करे और इनको सजा दे। तो आज के ब्लॉग में फिलहाल इतना ही, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था तो मुझे अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचानी थी कि यार जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं प्लीज़ जस्टिस के लिए खड़े हों कि ताकि आगे ऐसा ना हो। तो होप आप लोग ये सब करोगे। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।